हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप वन प्लस की स्मार्टफोन पसंद करते हैं तो दोस्तों बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, वन प्लस की तरफ से एक नया पिच कर दिया गया है अमेजोन इंडिया पर, जो कि वन प्लस नया स्मार्टफोन लाने जा रहा है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको सस्ता स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, यानी कि मिड रेंज के अंदर देखने को मिल सकता है स्मार्टफोन। वैसे दोस्तों, आप लोग पता होगा कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में वन प्लस अपना पूरी तरह धाक जमा चुका है। अब दोस्तों, वन प्लस पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि मिड रेंज में भी अपना धाक पूरी तरह जमा ले। अभी हाल ही में वन प्लस ने वन प्लस नॉर्ड को लॉन्च किया था, जो कि वन प्लस तरफ से सबसे सस्ता, अभी तक का सबसे सस्ता फोन था, जो कि वो 5G फोन देखने को मिली थी। उसमें भी आपको दो वेरिएंट पे देखने को मिला था। अब दोस्तों, वन प्लस की तरफ से जो नया टीज किया गया है अमेजन इंडिया पर, कुछ अलग से दोस्तों टीज नहीं किया गया है, वन प्लस नॉर्ड के ही उसी साइट पर इसी के ऊपर हैशटैग लगाकर कमिंग सून लिखा गया है। यानी कि दोस्तों, ये पता चल गया है कि वन प्लस नॉर्ड एक नया स्मार्टफोन लाने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, उसमें कोई खुलासा नहीं किया गया कि उस स्मार्टफोन का नाम क्या रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, लीक्स की माने तो उसका नाम जो होगा वन प्लस नॉर्ड N10 देखने को मिल सकता है, पुराने लिक्स की बात करें तो। और दोस्तों, इसकी जो कीमत होने वाली है दोस्तों, वन प्लस नॉट से भी कम इसकी कीमत देखने को मिल सकती है, जो कि दोस्तों इसकी प्राइजेस रखी जाएगी। वही दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें कुछ खास अलग फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। कैसे कि दोस्तों, ये स्मार्टफोन में आपको जैसे कि दोस्तों आपको रिक्वायर्ड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जो कि 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, बता दें कि इसके जो डिस्प्ले होने वाली 5.49 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, ये भी लीक्स निकल रहा है तो इसमें शायद AMOLED डिस्प्ले इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये है कि दोस्तों इसमें जो कैमरा होगा फ्रंट में दोस्तों, इसमें वाटर ड्रॉप होगा कि या दोस्तों नो पंच होल होगा, इसमें दोस्तों कोई कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि इसमें क्या देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा वन प्लस नॉट को इसी दिन बताया गया था कि वैसे एंड्रॉइड 11 पर ही उतारा जाएगा। लेकिन दोस्तों, बता दो कि इसे स्मार्टफोन को वन प्लस नॉट के N10 की बात करें, बाकी फीचर्स में 4000 mAh की बैटरी भी दिया जा सकता है। और दोस्तों, इसमें जो है कि ज्यादा लिक्स तो सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों यह है कि इसकी जो सेल्स होगी दोस्तों, ये तो क्लियर हो चुका है, इसकी जो सेल्स रखी जाने वाली है इसे अमेजन इंडिया पर ही सेल्स रखी जाने वाली है। अब इसे दोस्तों कब तक भर में लॉन्च किया जा सकता है, इसके लेकर कोई खबर निकल के नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, यह है कि वन प्लस पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि मिड रेंज में भी और बजट रेंज में भी आप सभी के लिए अच्छा स्मार्टफोन लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि वन प्लस नॉट दोस्तों अभी एक अच्छे बजट स्मार्टफोन था, जो कि दोस्तों आपको वन प्लस की तरफ से किया गया था, जो कि सबसे अभी तक की सबसे कम कीमत वाली वन प्लस की फोन था। अब दोस्तों, उससे भी कम कीमत में भी स्मार्टफोन को रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसकी प्राइस कितनी रखी जाएगी अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यह है कि 30,000 के अंदर इसकी प्राइस रखी जाने वाली है। और दोस्तों, ये कितनी रखी जाने वाली इसकी कोई कंफर्म नहीं। और दोस्तों, हो सकता है दोस्तों इसी कई वेरिएंट में भी स्मार्टफोन को उतारा जा सकता है। देखने वाली बात यह दोस्तों, कितनी वेरिएंट में उतारा जा सकता है और कब तक भर में लॉन्च होगा, इसकी लेकर दोस्तों जैसे भी कोई खबर आती है तो मैं तुरंत वीडियो लेकर आ जाऊंगा। दोस्तों, आपको उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।